और क्या क्या इस्तेमाल होता है बताओ। व्हाइट गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, व्हाइट से एक नंबर, फिर से बालू का इस्तेमाल हो रहा है और दो नंबर काम हो रहा है। सुने ना, चार से पांच स्लेब क्रेक हुआ है, उसको हम मरम्मत करवा रहे हैं। स्लेब को छोड़िए ना, हमारा नाला आपका क्रेक कर गया, जो नाला का दीवार आप ले गए हैं। दीवार कहाँ पे क्रेक कर गया दिखा दीजिए हमको। दीवार नहीं क्रेक कर गया है, क्रेक दीवार गया होगा। हाँ तो अब क्या कीजिएगा सर? दीवार तो दीवार देखिए, जो बाह है ना तो क्रेक नहीं करेगा, उसमें माल का कोई कमी नहीं किया, हम 5 इंच में डलवाए उसको। मतलब ये बताइएगा, अगर क्रेक है तो ये आप मानते हैं ना कि काम नहीं, नहीं स्लैब देखिए हम मानते हैं, स्लैब क्रेक हुआ है ना। स्लैब को तो है ना का पल्ला में लहंगा जो है ना, पानी लता ना बराबर मला हमने के दुनिया को बड़ा का कीरे को का बनल ले बल्ले ओपर का अभी स्लैब भी नहीं करेगा, क्रेक को गुल बना ले देख लिया हुआ। हां देखने से ना फट फट गए 6 नंबर। हां तो आप अब तो आपके घर से ऊपर हो गया नाले और रोड से भी ऊपर हो गया। हां तो पानी इसमें किस पर जाएगा? तो वह में बा बनौले बन में वह घर में पैसा जाएगा, पानी सब लग जाएगा, घर में डूब जाएगा, घर में डूब जाएगा सर, पानी एकदम पूरा पानी लग जाएगा। हां पूरा है पानी। नाइन तक बिहार, सुबह उठो और नगर परिषद का पैसा लूटो। आपको क्यों कह रहे हैं, जहां भी काम हो रहे हैं कहीं ऐसा नहीं है कि जहां नगर परिषद के काम में लूटपाट नहीं होता हो। पहला तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये गिट्टी आपको बता दें कि क्या इस गिट्टी, ये गिट्टी अलाउ है? व्हाइट व्हाइट गिट्टी, सफेद गिट्टी पे काम कराना कहीं अलाउ नहीं है। नगर परिषद के लगभग जहां काम हो रहे हैं वहां व्हाइट गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया बालू का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका नतीजा आपको दिखा दें। आइए हमारे साथ एक यही के स्थानीय नागरिक है, इनसे भी पूछ लेते हैं, नगर परिषद का जो काम हो रहा है उसमें व्हाइट गिट्टी और क्या क्या इस्तेमाल होता है? व्हाइट गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, व्हाइट से एक नंबर, फिर से बालू का इस्तेमाल हो रहा है और दो नंबर काम हो रहा है टोटल। दो नंबर काम हो रहा है, इसमें क्या बताइए कि सब ये कितना दिन काम रुक पाएगा इसमें? ये चलेगा जो चीज बनेगा वो जो हमारे वार्ड है उनमें कमी है। दीपक ये 6 है और उधर 5 है। हाँ तो ये 6 दीपक का वार्ड है ये जी। इसका नतीजा आपको दिखाते आइए। आपको आप लोगों को कहने पे लगेगा कि यहाँ पे हम लोग फालतू घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेक हुआ है, क्रेक। आइए दिखाते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे कि और नजदीक करें। अभी ये काम पूरा भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये नाला क्रैक कर गया है। देखिए ये नाला क्रैक किया कि नहीं, इस साइड भी है और उस साइड भी दिखाई जहाँ आप खड़े हैं। आप बताइए कि ये पानी चलेगा कितना देर रुकेगा? ये 5 से 10 मिनट के अंदर फिर नाला टूट जाएगा। पैसा किसका जाएगा? आम पब्लिक का पैसा जाएगा। पॉकेट में किसके जाएगा? तो दलालों के पॉकेट में जाएगा, वार्ड पार्षद जो कमीशन पे काम कर रहा है उसके पे जाएगा, तमाम जो लोग इसमें शामिल है, जो लोग कमीशन ले रहा है। अब यार पैसा तो वहाँ हुआ बड़ी गोजन बसार नाला के नाला का बड़ी गोजन बा जब नाला बोलते 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। हां तो आप अब तो आपके घर से ऊपर हो गया नाले और रोड से भी ऊपर हो गया। हां तो पानी इसमें किस पर जाएगा? तो वह में बा बनौले बन में वह न बनौले बा दीपक बनवल बड़ा दीपक बनवल बड़ा। तो ये तेरे काम हुई बोलनी ना कि रोड के ऊपर कितने जाए पानी? अब पानी सा ना हम सफेद गिट्टी के इस्तेमाल होता, सफेद घटिया गिट्टी हो, सफेद गिट्टी में कहीं काम होला? अब हमने का जानतन सब काम करा नहुआ लो जानतन नहुआ लो हमने कोई का हाल का जानतन सब जे यहां पे जो नाला क्रेक कर देबा आगे अगर वो देखनी हेलो। हां हो बोलल भाई जो कहानी सन हमने के है ना का पल्ला में लहंगा जो है ना पानी लता ना बराबर मला हमने के दुनिया को बड़ा का कीरे को का बनल ले बल्ले ओपर का अभी स्लैब भी नहीं करेगा, करे को गुल बना ले देख लिया हुआ। हां देखने से ना फट फट गल बा तोरवा कोनी हमको तो का कोला अब पहले बन लो जो के पल्ला तर करवा छता देख पैसा रख ले लन बगली में कमीशन वहां घुसवा बबुआ ने जानता है लोग। देखिए ये सीधे साधे मोहल्ले के लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं जो कुछ देखा इन्होंने। अपने वार्ड पार्षद को आगाह कर दिया, दिखा दिया, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है, पॉकेट में खाली पैसा आना चाहिए। नगर परिषद का तो सिस्टम हो गया है लूटपाट, नगर परिषद के अगर आगे लूटपाट केंद्र लगा दिया जाए तो इसमें कहीं कोई खराब बात नहीं है और ना आपको बुरा लगने वाली बात है। शहर के लोग टैक्स इसलिए देते हैं जो नए वार्ड में जुड़े हैं चाहे जो पहले से जुड़े हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ नाली की सुविधा हो,
साफ सफाई की हो, समय से कचरा उठे। लेकिन जब नाली एक योजना की अगर हम बात करते हैं तो पहले सड़क से 1.5 फीट ऊंचा बना दिया जाता है ताकि उसे इस्तेमाल ही नहीं हो। उसके बाद देखिए गनीमत तो यह है, सबसे बड़ी तारीफ की बात तो यह है, वाकई इनको अवार्ड भी देना चाहिए इस वार्ड पार्षद को कि अभी नाली पर स्लैब नहीं रखा है तब तक क्रैक कर गया। एक जगह नहीं, तीन तीन चार चार जगह क्रैक कर गया। आइए हम आपको दिखाते हैं, आपके सामने महिला ने भी बताया, यहाँ के लोगों ने भी बताया है। तो क्या इस योजना के का जो है फिर से जांच होगा या फिर इसको भी लीपापोती कर दिया जाएगा? यहाँ से लेके वार्ड पार्षद से लेके ऊपर तक क्या सारे लोग मिले हुए हैं? क्यों नहीं कोई आता है जांच करने के लिए जब भी कोई काम होता है? आइए आपको दिखाते हैं और सीन जब क्रैक हुआ है। पानी डालो घर से डाल ले पानी देतनी पानी को मोटर का पानी हमनी के चला था मंगनी में काम उतरा तो पैसा को रखत रहन। हां मोहनी पानी हमनी के दिस मंगनी दो जगह वहां दिखा चुके एक रेक है और यहां पे एक रेक है। देखिए और नजदीक कर दिखाइए बेटा का क्रैक है। यस सर देखो हैं। हां ये लड़का दिखाया है ये बच्चा कि यहाँ पे क्रैक है? यस सर हम ही दिखाए हैं आपको क्रैक है। तो यहाँ पे जो वार्ड पास जो काम कर रहे थे उनको नहीं दिखाए लो आप लोग? नहीं सर वो लोग नहीं दिखाए लो। उन्होंने नहीं दिखाया लो, खाली बना के चला गया लो। चला गया लो। और भी आपको आगे क्रैक है वो दिखाते हैं। यहाँ भी है बच्चे दिखा रहे हैं कि पूरा क्रैक है बच्चे। कमाल ये है कि जो काम करने वाले लोग है कराने वाले लोग है उनको क्यों नहीं दिखता है? जो काम कराने वाले लोग है जो काम करने वाले लोग है क्यों नहीं दिखता है? यहाँ पे क्रैक है, आइए दिखाइए यहाँ पे क्रैक है नाली। क्यों भाग रहे हैं? अरे बताइए आप ही के मोहल्ले की बात है, कोई अपने पॉकेट से थोड़ी करा रहा है। देखिए यहाँ के लोग स्थानीय लोग भी कुछ लोग तो बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग बताकर भी साइड से हट जा रहे हैं ताकि मेरा फेस सामने नहीं आए। पता नहीं क्या वार्ड पार्षद दबंग वार्ड पार्षद है, क्या किसी चित्रा का उन लोगों को डर है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि आप जो कुछ भी हो लेकिन अगर योजना पे काम हो रहा हो तो सबका सिस्टम एक ही होना चाहिए, काम बढ़िया से होना चाहिए, जो चीज उसमें मेंशन है वो होना चाहिए और कम से कम सफेद गिट्टी का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जब सफेद गिट्टी का आप इस्तेमाल करेंगे तो काम मजबूत नहीं होगा, काम मजबूत नहीं होगा तो ऐसे ही फटेगा पूरा। अब बताइए कि क्या इसके इस पर किसका प्लांटी लगेगा, इसको फिर दोबारा कौन कराएगा? एक बार योजना में जब पैसा लगा दिया गया आप बताइए कि फिर कहां से एक-एक करेगा? पानी आते ही ये टूटेगा एकदम 100%। कितना दिन टूट, देखिए अभी टूट गया, नाला पे अभी स्लैब भी नहीं रखा है, नाला अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, चालू भी नहीं।